स्टूडेंट क्लास सेट का क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लीजिए। अ पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम अनदर नंबर। इसमें कहता है एक पॉजिटिव कोई धनात्मक संख्या है जो एक अन्य संख्या से पांच टाइम मतलब पांच गुना ज्यादा है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यदि दोनों नंबरों में दोनों साइडों में 21 को ऐड कर दिया जाए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम टू इज अ न्यू नंबर, देन तो एक जो नया नंबर प्राप्त होता है कहता है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम टू इज द अदर न्यू नंबर। एक जो नया नंबर होता होगा वो दूसरे अदर नए नंबर से क्या होगा दोगुना होगा, क्या होगा दोगुना। व्हाट आर द नंबर, तो लिखेंगे द नंबर इज अ नंबर इज अ सॉल्व टू द नंबर इज एक्स। अब द अदर नंबर क्या हो, द पॉजिटिव नंबर इसमें क्या है फाइव टाइम्स है, अ पॉजिटिव नंबर नंबर्स इक्वल टू फाइव एक्स। अब इसमें कहता है कि 21 एडेड टू बोथ साइड, दोनों साइड 21 ऐड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार कहता है 21 एडेड बोथ साइड, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया एक्स और दूसरा नंबर क्या हो गया फाइव एक्स। 21 एडेड बोथ साइड, 21 बोथ साइड मतलब इधर साइड भी और इधर साइड भी 21 को ऐड कर दिया गया, आया समझ में। तो इसमें बोलता है जब 21 एडेड टू बोथ साइड तो न्यू नंबर इज ट्विस्ट ऑफ अनदर नंबर, तो जो नया नंबर मिलता है वो अन्य नंबर का क्या होगा दो गुना होगा, ये दो गुना है। जैसे 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4 इक्वल टू 5x प्लस 21। अब इसको हम इधर साइड लिख देते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे 21 जो है हमें कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है पॉजिटिव साइन के साथ है, ठीक है, ट्रांसपोजिंग आरएचएस एलएचएस की ओर हो गया, ट्रांसपोजिंग 21 टू LHS 2x plus 42 minus 21 equal to 5x। अब 2x 42 में 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21 ही आएगा, 2x plus 21 equal to 5x। अब जो 3 है 3 का हम 2 है 2 का ट्रांसपोजिंग हम किसमें कर देंगे, हम लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 2 टू आर एच एस, ट्रांसपोजिंग 2 टू आर एच एस, देखते हैं ट्रांसपोजिंग पोजिंग 2x टू आर एच एस, आर एच एस की ओर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या आएगा आप देखेंगे 5x माइनस सॉरी 21 इक्वल टू 5x माइनस 2x, 21 इक्वल टू 5 में 2x माइनस करेंगे 3x, अब 3x इक्वल टू 21 हो गया, अब 3 मल्टीप्लाई में है ट्रांसपोजिंग होगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 21 अपान 3, 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, इसमें हो गया x इक्वल टू 7। नंबर द नंबर इज क्या हो गया 7, अ पॉजिटिव नंबर इज क्या हो गया 5 7 जा 35, लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स इक्वल टू 7, पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर 5 एक्स इक्वल टू 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, ये क्या हुआ हमारा आंसर। इतना हमारा क्या हो गया क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर सेकंड 2.4 का कंप्लीटेड।